दोस्तों नमस्कार, मैं रमणीक बेग आपके समक्ष हूँ। मित्रों आज ठंड है थोड़ी, इस कारण आप देख रहे होंगे गोल्फ़ कैप लगाई हुई है मैंने। अच्छा दोस्तों, आज यहाँ मैं जो बात करना चाहता हूँ वो है बीमारी से संबंधित भोजन चिकित्सा पर। दोस्तों याद रखिए कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी खाना खाते हैं वो अंदर जाकर क्या करता है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रखें। बहुत बार हम ऐसे खाने खा रहे होते हैं जो अंदर जाकर हमारी बीमारी को बढ़ा रहा होता है, और हम जाने अनजाने में खा भी रहे होते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, मेरे को जब पहली बार कैंसर हुआ ना तो मैं 25 साल का था, और ये 1998 की बात है। मुझे याद है मेरी माता जी मुझे कहती थी, बेटा ऐसा है जो मन करे खाओ, तुम कहो तो मैं समोसा दे दूँ, पकौड़ा दे दूँ, आइसक्रीम दे दूँ, जो मन करे खाओ, पर वज़न कम नहीं होना चाहिए। सारी माएँ ऐसी होती हैं, बच्चों पे बहुत लाड करती हैं। पर दोस्तों हमें खुद भी नहीं पता था कि हम बहुत सारे ऐसे भोजन खा रहे थे जो कैंसर को बढ़ा रहा था, और कैंसर दोबारा भी आया, फिर दोबारा भी आया। पर गलती क्या की हमने, हमें खुद पता ही नहीं था। अगर पता होता भाई कि ये सही है ये गलत है तो कभी गलत खाना तो ना खाते। इसी तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट है हमें जानना कि जो हम खाना खाते हैं वो अंदर जाकर क्या प्रभाव छोड़ेगा। एक और बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ आप लोगों को। अक्सर लोग कहते हैं कि सर मेरे को डायबिटीज़ है, मधुमेह है, मैं मीठा नहीं खा रहा। मैं कहता हूँ भैया बताओ क्या नहीं खा रहे। कहेंगे सर मैं वो आइसक्रीम है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, मिठाई है, बर्फ़ी है, गुजिया है, ये सब सर नहीं खाता, ये मीठा है। मैं कहता हूँ ये तो हम भी समझ रहे हैं मीठा है, ज़रा हमें ये बताओ तुम कि तुम क्या डबल रोटी खाते हो। तो कहेंगे सर बिल्कुल। मैं कहूँगा भाई अच्छा ये बताओ फिर, आइसक्रीम तो बात नहीं करूँगा मैं, ये बताओ आलू खाते हो। कहेंगे हाँ। मैं कहता हूँ भाई तुम रोटी खाते हो गेहूँ की। कहेंगे हाँ। मैं कहूँगा चावल खाते हो। कहेंगे हाँ। तो भाई मैं कहता हूँ ये जो चीज़ें हैं, डबल रोटी है, आलू है, इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स आइसक्रीम से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि शरीर में अंदर जाकर कितनी जल्दी खाना शक्करा में यानी कि चीनी में तब्दील हो। तो जितना ही ख़राब मिठाई है हमारे लिए खाना अगर डायबिटीज़ है, उतना ही ख़राब डबल रोटी है और आलू है और गेहूं की रोटी है और चावल है। तो दोस्तों देखिए, अब इसमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो अंदर जाकर क्या प्रभाव करता है। खाने का एक मापदंड होता है, जब हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम शॉर्ट फॉर्म में वी कॉल देम कार्ब्स, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या मतलब है? कार्बोहाइड्रेट वो खाने हैं जो ऊर्जा देते हैं, और हर खाने का एक ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब ये अंदर जाकर शक्करा यानी कि चीनी में कितनी जल्दी तब्दील हो जाए। जिन खानों में रेसा कम होता है उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स फूड स्टार्स विच हैव लेस ऑफ फाइबर इन इट, देयर ग्लाइसीमिक इंडेक्स इज प्रीटी हाई। इसी तरीके से जिन खानों में रेसा बहुत ज़्यादा होता है उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है, यानी कि वो हमारे लिए अच्छे हैं। तो दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो अंदर जाकर या लाभ करता है या हानि करता है। पुराने ज़मानों में भी बहुत बीमारियाँ हुआ करती थी और तब भी लोग ठीक हुआ करते थे। इवन जो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन हैं, जो ये मॉडर्न जो मेडिसिन हैं इनके जो जिनको फादर कहा जाता है, उनका नाम था हिपोक्रेट्स। उनका एक कथन बहुत पॉपुलर है, वो था लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड, कि खाना ही आपका भोजन है और भोजन ही आपका खाना है। पुराने ज़मानों में जब एलोपैथी, केमोथेरेपी ये सब दवा नहीं हुआ करती थी, तब भोजन चिकित्सा तो पहले से चली आ रही है, तब वो क्या करते थे, बीमारियों का इलाज नॉर्मल देसी चीज़ों से करते थे, नॉर्मल भोजन से करते थे, जैसे कि प्याज है, लहसुन है, लौंग है, दालचीनी है,
बेसिक जो चीज़ें हैं उनसे इलाज करते थे। तो दोस्तों याद रखिए कि भोजन चिकित्सा का मूल सिद्धांत क्या है, योर किचन इज़ योर फार्मेसी, यानी कि आपका रसोई घर ही आपका दवाखाना है। आपको ऐसे भोजन खाने हैं जो अंदर जाकर एक सकारात्मक प्रभाव करे, और ऐसे भोजन बिल्कुल नहीं खाने जो अंदर जाकर आपकी बीमारी को बढ़ाए। अब बहुत ऐसे भोजन हैं जो कैंसर को बढ़ाते हैं, तो हमें वो सारे भोजन नहीं खाने। तो अच्छा दोस्तों मैं चलता हूँ। अच्छा एक बात और बता देता हूँ कि मैं अलग अलग प्रकार के कोर्सेज़ कराता हूँ व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग और स्काइप के जरिए। ये कोर्सेज़ ज़्यादातर होते हैं प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पर। तो आप ये अगर कोर्सेज़ करना चाहें, अगर आपको जैसे कोई बीमारी हो तो आप कर सकते हैं बीमारी से संबंधित प्राणायाम पर कोर्स, या बीमारी से संबंधित भोजन चिकित्सा पर कोर्स। तो आप कोर्सेज़ मेरे साथ व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग और स्काइप के जरिए भी कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब में 1700 से अधिक वीडियो हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। यूट्यूब में मेरा एड्रेस है www.youtube.com/ramneekvig। और अगर आप मेरे साथ कोई भी कोर्स करने के लिए इच्छुक हैं तो आप मेरे से डायरेक्टली संपर्क करें। मेरा सेल और व्हाट्सएप नंबर है 9910178140। और एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग कि ये सारे ही कोर्सेज आप कर सकते हैं, ये सब व्यक्तिगत हैं। जब मन करे शुरू करें, अपने अनुसार ख़त्म करें, और एक टाइम पर केवल एक ही क्लास की पेमेंट करनी है। तो दोस्तों अगर और जानकारी चाहें तो आप मेरे से डायरेक्टली संपर्क कीजिए। अच्छा दोस्तों मैं चलता हूँ और आपका दिन शुभ रहे।